ये क्वेश्चन है अब ना क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैकेनिक्स इन्वॉल्व करना है, तो मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, SHM मिलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, SHM मिला के क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक क्यू और ये कैपिटल क्यू, ये फिर से ये दोनों चार्जेस जो है ना वो कैसे हैं, फिक्स्ड है, ये दो चार्जेस जो हैं वो क्या है, फिक्स्ड है। अब अगर ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं तो कैपिटल क्यू को किधर रखेंगे कि इक्विलिब्रियम मिल जाए, कैपिटल क्यू जो तीसरा चार्ज है उसको कहाँ पर रखा जाए कि इक्विलिब्रियम मिल जाए, तो एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए क्या, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसके एग्जैक्टली बीच वाले सेपरेशन में बीच पे रखोगे तो वो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अच्छा, अब ये बोला गया है कि वो जो कैपिटल क्यू का चार्ज है उसको स्लाइड डिस्प्लेस करके छोड़ दो, और स्लाइड डिस्प्लेस करके छोड़ने के बाद वो ऑसिलेट करेगा, तो उसके ऑसिलेशन का क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। अब पहले तो ये समझते हैं कि ऑसिलेट क्यों करेगा, पहले अपन क्या करते हैं एनालाइज करके ये देखते हैं कि ऑसिलेट क्यों करेगा और किस कंडीशन में वो ऑसिलेट करने वाला है। मान लो मैं बोलूँ कि ये जो कैपिटल क्यू का चार्ज है उसको मैंने क्या किया, अच्छा ऑसिलेशन होने के लिए एक नेट फोर्स होना चाहिए ना, देखते हैं अभी इस वाले कंडीशन में अगर इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं, यहां से सेपरेशन डी बाई टू होना चाहिए और यहां से भी सेपरेशन डी बाई टू होना चाहिए। अब इक्वल सेपरेशन पे क्यों है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों चार्जेस, दोनों फिक्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड एक जैसे थे तो इक्वल सेपरेशन पे होना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो क्यू चार्ज है, मान लो मैं इसको हल्का सा यहां पे डिस्प्लेस करके, ये जो Q चार्ज है उसको मैंने X अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट दिया इस तरफ, और यहां पर डिस्प्लेस दे के इसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब जैसे ही मैं Q चार्ज को यहां से खींच के यहां पे लाऊंगा, ध्यान से देखना, ये इस वाले पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, इस वाले पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था, कौन सा इक्विलिब्रियम था वही बाद में समझ में आएगा, इस वाले पॉइंट पर इक्विलिब्रियम था। अब अगर मैं इसको यहां पे खींच के लाऊंगा तो इस वाले चार्ज से मैंने दूरी बढ़ाई या कम कर दिया, ये जो इसके चार्जेस के नाम दे रहा था, मान लीजिए ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, जब मैंने कैपिटल क्यू वाले चार्ज को एक्स डिस्टेंस, इसके मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस अगर इधर खींच दिया, तो मैंने क्या किया है, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ाई या कम कर दी, दूरी को बढ़ा दिया गया है क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने क्या कर दिया, दोनों चार्जेस की जो बीच की दूरी थी, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को मैंने बढ़ा दिया गया। अगर चार्जेस के बीच की दूरी को आप बढ़ा दोगे तो जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा क्या, तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ये जो फोर्स था, सॉरी रिपल्शन फोर्स होगा, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन क्यू वन बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू, इसका फोर्स देखो इस वाले पॉइंट पे जितना फोर्स इस तरफ था उतना ही फोर्स इस तरफ था, इसलिए तो इक्विलिब्रियम था ना। इस वाले पॉइंट पर अगर मैंने इस वाले चार्ज से कैपिटल क्यू चार्ज की दूरी को बढ़ा दिया है, चार्ज की दूरी को बढ़ा देने का मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, कम हो जाएगा क्या। अच्छा, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों को आपने पास ले आया ना, अगर आप पास ले आओगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रिपल्शन फोर्स होगा, रिपल्शन फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो ज्यादा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा क्या, तो फोर्स ऑन क्यू टू बिकॉज ऑफ क्यू। समय को नहीं समझ में आया, देखो इस वाले पॉइंट पर एग्जैक्टली मिड वाले पॉइंट पर जितना रिपल्शन इधर से आ रहा था उतना ही रिपल्शन इधर भी आ रहा था, इक्वल ऑपोजिट कैंसिल आउट हो जा रहे थे, लेकिन अगर आपने इसको क्या किया है, इक्विलिब्रियम से अगर यहां कहीं पर शिफ्ट किया इसको, अगर इक्विलिब्रियम से आपने इसको यहां कहीं पर शिफ्ट किया तो उस केस में क्या होगा, आपने इन दोनों चार्जेस की दूरियां को बढ़ा दिया, अगर दो चार्जेस की दूरियां बढ़ रही हैं मतलब दोनों के बीच का जो रिपल्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा क्या, तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन था वो कम हो गया, रिपल्शन फोर्स इस तरफ आता, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उनको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, दूरियों को कम कर देने से फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है, तो देखो यहां पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बढ़ गया क्या। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और दूसरा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, इन दोनों को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्या, हाँ या ना। अब ये नेट फोर्स जो इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, ये जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप होगा वो क्या करेगा, इस स्मॉल क्यू वाले चार्ज को वापस से मीन पोजिशन पे लाना स्टार्ट कर देगा क्या, मीन पोजिशन या इक्विलिब्रियम पोजिशन पे लाना स्टार्ट कर देगा, ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ,
बात समझ में आ रहा है? देखो सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना कोई मुश्किल नहीं है भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करना मैं तुरंत एक मिनट में सॉल्व कर दूंगा। समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्यों इक्विलिब्रियम करेगा, क्यों एसएसएम करेगा, ये सब समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब तुमने यहां पे लाके रखा तो एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो गया ना। देखो इन दोनों का जब रिजल्ट देखोगे तो एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। बिकॉज ऑफ दिस नेट फोर्स ये क्या करेगा, अंदर जाना स्टार्ट करेगा। अब जब ये अंदर जाना स्टार्ट करेगा तो यहां से यहां जाते वक्त, यहां से यहां जाते वक्त ये जो नेट फोर्स है, अब जैसी जैसी ये एक्स का वैल्यू कम होता जाएगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल आते जाएंगे क्या? जैसी इस वाले पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे पहुंचेंगे, फिर से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से यहां आते वक्त जो नेट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, यहां से यहां आते वक्त अगर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन यहां से यहां आते वक्त स्पीड बड़ा होगा ना। तो जैसे ही इस वाले पॉइंट पर आएंगे, इस वाले पॉइंट पर आएंगे, अभी एक्सेलरेशन या नेट फोर्स जीरो है, लेकिन स्पीड तो है ना इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्पीड है, उसके कारण ये क्या करेगा, चार्ज इधर भागना स्टार्ट करेगा। मान लो चार्ज भागता भागता यहां पे आ गया, जो चार्ज क्यू था वो यहां कहीं पे आ गया। अब जैसे ही ये चार्ज यहां पे आ गया, इन दोनों के बीच की दूरियां क्या हो गई, कम हो गई, और इन दोनों के बीच की दूरियां क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इन दोनों के कारण जो फोर्स ऑफ रिपल्शन था वो ऐसा था, और इसके कारण जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ऐसा है। अब अगर फिर से ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक नेट फोर्स वापस से इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा क्या? अब इस तरह का सिचुएशन जब होता है, जब एक नेट फोर्स डेवलप होता है जो मीन पोजीशन के डायरेक्शन में होता है, तो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करता है क्या? तो ये जो सिनेरियो है, इसमें ये क्यू चार्ज, जैसे आप इसको स्लाइड डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा क्या? समय को कुछ भी नहीं समझ में आया। मैंने अभी तुमको ये समझा दिया है कि अगर तुमने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग किया, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग अगर तुमने इसको डिस्प्लेस किया होता, तो यहां पर ये एसएचएम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता क्या? अच्छा, कभी कभी क्या बोलते हैं कि चार्जेस को मान लो ऐसा 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 डिस्प्लेस करके छोड़ देते। अगर देखो तो ये जो चार्ज क्यों, मान लो उसको यहां पे लाके छोड़ देते, इसके कारण रिपल्शन इधर मिलता, इसके कारण रिपल्शन इधर मिलता, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाता क्या? कभी भी ये वापस आ पाएगा क्या, एसएचएम एग्जीक्यूट कर पाता क्या? नहीं, नहीं आया ऐसा समझ में। ध्यान से देखो भाई, अगर मैंने ये जो प्लस क्यू चार्ज था, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस अगर इसके अलोंग डिस्प्लेस करते, तो इसके अलोंग डिस्प्लेस करने से हम क्या देख रहे थे कि ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन अगर तुमने इसको यहां कहीं पे, प्लस क्यू चार्ज को यहां कहीं पे रख के छोड़ दिया होता, इसके कारण रिपल्शन मिलता इधर, इसके कारण मिलता रिपल्शन इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स इसको ऊपर ले जाता क्या? तो कभी भी नीचे आ पाता क्या, एसएचएम एग्जीक्यूट कर पाता क्या? नहीं। लेकिन अगर ये जो तीसरा चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये तीसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज होता, ये पहला पॉइंट समझ में आया क्या, क्यों एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, ये समझ में आ रहा है ना? और किस लाइन पर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किस लाइन के अलोंग एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, और नेगेटिव चार्ज अगर है तो किस लाइन के अलोंग एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, ये देख रहे अभी। पॉजिटिव चार्ज अगर है, ये जो तीसरा चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है तो इस लाइन के अलोंग एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था ना। अच्छा, मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये जो चार्ज होता, अब ये सब मैं हटा दे रहा हूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने में यूज किया था, मान लो ये जो तीसरा चार्ज होता वो नेगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू। अब अगर चार्ज नेगेटिव होता, माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में क्या मिलता आपको, अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में भी क्या मिलता आपको, अट्रैक्शन। अब कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया तो ये माइनस क्यू चार्ज कभी भी मीन पोजिशन की तरफ भाग सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर आपने तीसरे चार्ज को नेगेटिव लिया होता तो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग तो एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। ये सब समझना पड़ेगा भाई, एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पॉजिटिव चार्ज अगर है, अगर पॉजिटिव चार्ज था इस सिनेरियो में, तो वो क्या करता, इस तरह से एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन जब ऐसे इसको अलॉन्ग डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो कोई एसएचएम नहीं था। अब नेगेटिव चार्ज पे हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को अगर तुम इसके अलॉन्ग ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो एसएचएम नहीं हो रहा है। लेकिन इसी नेगेटिव चार्ज को अगर तुमने यहां पे डिस्प्लेस किया होता ना, यहां पे रखा होता नेगेटिव चार्ज को, तो इसके कारण अट्रैक्शन फोर्स इसके इधर, इसके कारण अट्रैक्शन फोर्स इधर, तो नेट फोर्स इधर आ जाता क्या, मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स आ जाता ना। जैसे ही मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स आ जाता, ये एसएचएम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता क्या? तो किस डायरेक्शन में एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सिस्टम गिवन होगा, सिस्टम गिवन सिस्टम में आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा अभी तो किस डायरेक्शन में। तो जो मेरा क्वेश्चन था, अब मैंने समझा दिया कंसेप्ट जो यहाँ पे इन्वॉल्व होना था। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करना कोई बड़ा बात नहीं है भाई, कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है।
हमें क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। जब भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता था SHM में नेट फोर्स कैलकुलेट करते थे। नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद जो भी नेट फोर्स आता था उसको क्या करते थे, माइनस ऑफ के इंटू एक्स के ऑर्डर का देखते थे कि वो है या नहीं के इंटू एक्स के ऑर्डर का। अगर फोर्स के इंटू एक्स के ऑर्डर का मिलता था तो माइनस के इंटू एक्स को ओमेगा एम इंटू ए से रिप्लेस करते थे और के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर से ऐसा कुछ रिप्लेस करके सॉल्व करते थे, आंसर आ जाता था। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, मुझे ये पता चल गया है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसको इस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेस करेंगे तभी SHM एग्जीक्यूट होगा, इस लाइन के अलॉन्ग नहीं होने वाला। तो सोल्यूशन में क्या करते हैं, इसको मैंने x अमाउंट का स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दिया है। ये स्लाइड डिस्प्लेसमेंट वाला वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब x अमाउंट का स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ये मेरे पास फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। मैं नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करूं, ध्यान से देखना, तो मेरे पास फर्स्ट वाले चार्ज के कारण जो इसको फोर्स मिला इधर, वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, और इसके कारण जो रिपल्शन फोर्स मिलेगा वो इधर मिलेगा, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और क्या बोलते थे, जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कराते थे उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे क्या? तो अगर मैं नेट फोर्स लिखूं, अगर मैं नेट फोर्स लिखूं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव के अलॉन्ग मेरे पास कौन सा फोर्स था, फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ वन, ये पॉजिटिव के अलॉन्ग है, और नेगेटिव के अलॉन्ग कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ टू। बात समझ में आ रहा है क्या? ये नेट फोर्स हो गया ना। नेट फोर्स कैसे लिखते थे, नेट फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए जिस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कराती है, जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कराते थे उसको पॉजिटिव मानते थे। तो एफ क्यू वन पॉजिटिव हो जाएगा, एफ क्यू टू नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं नेट फोर्स लिखूं, एफ क्यू वन का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो एफ क्यू वन का वैल्यू क्या लिखेंगे, के टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन देम। कैपिटल क्यू और फर्स्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन डी प्लस एक्स है क्या, तो यहां पे रख देते हैं डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ में आना। मैंने नेट फोर्स लिखा है, नेट फोर्स देखने के लिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज देखना है और सेपरेशन का स्क्वायर लिखना है। माइनस में एफ क्यू टू अगर आप देखोगे, अच्छा यहां पर यह डी बाई टू हो जाएगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर देते हैं, 2D मान लेते हैं, ये 2D मान लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज। अब सेकंड चार्ज के कारण वो क्या हो गया, वो तो पास चला गया ना, तो पास चला गया, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे क्या, ये मेरे पास नेट फोर्स का इक्वेशन बन रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा बहुत मैथ्स लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया है कि नहीं? देखो इसके बाद जो भी है ना, वो कैलकुलेशन है, वो मैथ्स है। मैथ्स तुमको समझ में आ रहा है तभी ठीक है, मैथ्स मैं सिखाने नहीं आया तुमको, मैं तुमको फिजिक्स सिखाने आया हूं। अगर इससे पहले जो भी मैंने बताया वो नहीं समझ में आया है तो तुम डाउट पूछना, और ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें डाउट होगा, मैं डाउट सेशन रखूंगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज मैं शायद रख दूं या कल रख दूं मैं उसके लिए, जो हमारे पास जेई वाले बैच है और मेडिकल वाले का, फिर मैं बताऊंगा सोच के। पूरा एक वीक का जो डाउट हो जाएगा आप कलेक्ट करके रखना और मुझे एक दिन डाउट सेशन में पूछ लेना। अब यहां पर अगर मैं एफ नेट कैलकुलेट करूं, एफ नेट को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, और यहां पर कॉमन क्या क्या हो जाएगा, तो कॉमन ये फाइंड आउट कर सकते हैं, के स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू वन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू के क्यू क्यू, एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो ये टर्म हो जाएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इन सबको डिवाइड कर दो। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट का है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ऐसा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एम इंटू ए जो है वो के क्यू क्यू, इसको जब मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स माइनस में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स, ये पूरा न्यूमिनेटर पार्ट हो गया, और डिनोमिनेटर, अच्छा डी के सामने ये एक्स बहुत नेग्लिजिबल है क्या, ये डी के सामने ये एक्स बहुत छोटा होता है ना, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करते हैं
तो डी के सामने अगर ये एक्स बहुत छोटा है, इसको हटा सकते हैं, इसको जैसे ही हटा दोगे यहां पे क्या आ जाएगा, डी टू पावर फोर। अच्छा, जो भी कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देते हैं यहां पर। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को ले उड़ेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ले उड़ेगा, ये गायब, ये गायब। तो मेरे पास जो नेट फोर्स आ रहा है एम एन टू ए वो माइनस टू डी एक्स माइनस टू डी एक्स माइनस फोर डी एक्स हो गया क्या, तो माइनस फोर डी के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डी टू द पावर फोर, ये डी और ये क्यूब। अब ये जो फोर्स आया है माइनस ऑफ फोर के क्यू क्यू अपॉन डी क्यूब इंटू एक्स, ये माइनस ऑफ के इंटू एक्स के ऑर्डर का आ गया क्या, देखो तो यही वाला टर्म जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड होता था वही तो हमारा के हो जाता था ना। तो अगर मेरे पास माइनस ऑफ के इंटू एक्स के ऑर्डर का फोर्स आ गया तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, ये जो एक्सेलरेशन है माइनस फोर के क्यू क्यू डी क्यूब इन टू एम टाइम्स ऑफ एक्स, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड होता था ये होता था ओमेगा स्क्वायर, एक बार ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो टाइम पीरियड होता है टू पाई रूट ओवर ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या लिखते हैं टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा लिखते हैं ना, तो ओमेगा का वैल्यू क्या लिख दोगे, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया तो ऐसा लिख देंगे रूट ओवर ऑफ डी क्यूब एम डिवाइडेड बाई फोर के क्यू क्यू, ये टाइम पीरियड है जो हमने कैलकुलेट करना था। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें SHM का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाए, एक तो कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा खासा करना है। तो ध्यान से आपको ये क्वेश्चन को देखना है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगे इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आपको क्या करना है, पूछना पड़ेगा। बात समझ में आया है क्या, इतना ही रहने देते हैं आज।